हेलो एवरीवन आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ अ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर तो क्या होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इनके टाइप्स को स्टडी करेंगे और साथ में इनके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इनके करेक्टर्स क्या होते हैं देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं ये स्मॉल हैं सिंपल मॉलिक्यूल हैं ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशंस ठीक है देख दे कुड बी इंडोल कंपाउंड इंडोल थ्री एस्टिक एसिड जैसे आपका ऑक्सीजन जो होता है उसका जो अगर केमिकल नेम देखा जाए तो उसका नाम क्या है इंडोल थ्री एस्टिक एसिड है वो एडनिन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं जैसे एनसिक्स फरफ्यूराइल प्यूरिन या कानेटिन जिसको हम साइटोकाइनिन बोलते हैं या ये आपके डेरिवेटिव ऑफ केलेटोनोइड भी हो सकते हैं एफसिक एसिड जो हैं दे आर द डेरीवेटिव ऑफ कैरेटोनॉइड और टर्पिन भी हो सकते हैं आपके जेवलिक एसडीएजिबिन जो होते है वो टर्पिन का डेरिवेटिव है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं दैट इज इथाइलिन जो होते हैं वो क्या होते हैं वो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये जो होते हैं डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं इंडोल थ्री एसटिक एसिड को हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं अगर ये काइनटिन या एन फर एन सिक्स फरफ्यूराइल अमाइन है तो इसको हम साइटोकाइनिन बोलेंगे अगर ये कैरेटोनाइड का डेरिवेटिव तो उसको हम क्या बोलेंगे एसिड जो है उसको बोलेंगे टर्पिन तो बोलेंगे और गैसेस फॉर्म में क्या होता है इथाइलिन आपका प्रेजेंट होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को दे आर बेसली जो होते हैं दे आर डिस्क्राइब एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं फाइटो हारमोन जो इनको बोला जाता है या प्लांट हार्मोन्स भी इनको बोला जाता है इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं अगर इनको आप जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं प्लांट हार्मोन्स बोल सकते हैं फाइटो हारमोन्स होते हैं इनको जो है हम बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं इनको हम दो ग्रुप में क्या करते हैं बेसिकली क्लासीफाई करते हैं तो फाइव प्लांट हार्मोन क्या है प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये हमने बेसिकली दो ग्रुप में इनको क्या किया मतलब जय प्लसीफाई है. ऐसे एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनिवेटर एक ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं केवल और केवल जो है वो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेंगे ट्रॉपिक ग्रोथ करेंगे फ्लारिंग में हेल्प करेंगे फ्रूटिंग में हेल्प करेंगे सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे ये ऐसे हॉर्मोन को हम क्या बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं और इसमें एग्जाम्पल तीन हारमोन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिन और दूसरा जो ग्रुप है दैट इज़ प्ल्ट ग्रोथ इनिविटर ये क्या करेंगे ये क्या करेंगे प्लांट की ग्रोथ को इनिविट करेंगे ये डॉमेंसी इंड्यूस करेंगे ये एफसीसन इन uh, क्या करेंगे इंड्यूस करेंगे एंड आल्सो uh, जो है मतलब ये स्ट्रेस कंडीशन में या बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसिस में क्या होते हैं ये रिलीज होते हैं जैसे एफससी के से इथाइलिन ठीक है एफसिससी के एंड इथाइलिन जो होते हैं ये प्लांट ग्रोथ इनिविटर हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दे आर दे कैन भी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप नंबर वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं लिविंग प्लांट बॉडी में तो वन ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ दे आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन सेल एनलार्जमेंट पैटर्न फॉर्मेशन बनाते हैं ठीक है ट्रॉपिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं फ्लारिंग में फ्रूटिंग में सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो इन ऐसे हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं ऑक्सिन, जिवरलिन एंड साइटोकाइनिन होते हैं ये आपके क्या हैं ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं अदर ग्रुप्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस कंडीशन में बुंड कंडीशन में आयोबायोटिक और बायोटिक कंडीशन जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये क्या करते हैं दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इन एक्टिविटीज़ सच है डॉमेंसी in में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एबसीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एबसिसिकसड जो होते हैं एक

जिब्रेलिन एंड एसिड एंड इथाइलिन अब इन पांचों हार्मोन की जो डिस्कवरी हुई कैसे हुई देखो इन पांचों के पांचों हार्मोन की जो डिस्कवरी हुई है कोइंसिडेंसी हुआ है ठीक कोइंसिडेंटल है ये मतलब जो है साइंटिस्ट कुछ काम कर रहे थे और हार्मोन डिस्कवर हो गए ये इनको जो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया तो डिस्कवरी होगी ऐसा कुछ नहीं है सब हॉर्मोन की जो डिस्कवरी हुई वो एक्सीडेंटल हुई है ठीक है इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द फाइव मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट

उसको जो है यूनी लेटरल लाइट का जो है मतलब इल्यूमिनेशन देते हैं तो वो लाइट की डायरेक्शन में क्या होता है वो बेंड हो जाता है तो जब कोई प्लांट का पार्ट जो होता है लाइट के डायरेक्शंस में क्या करता है वो बेंड होता है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म तो वह ऐसा ऑब्जर्व करे थे तो जब उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये जो कॉलिव है वो प्लांट लाइट के डायरेक्शन में जो है मतलब बेंड हो गया तो उन्होंने देखा कि इसके लिए एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है दैट केमिकल इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन तो आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूड दैट कि टिप ऑफ कॉलिव टाइल होता है वहाँ पर क्या होता है एक स्टिमलेस बनता है ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस बनता है जो क्या करता है कि पूरे को पूरे कोलियव टाइल क्या करता है मतलब बेंडिंग करवाता है और बाद में इसका क्वेश्चन जो आता है आपका एफ डब्ल्यू बेंट ने क्या किया ऑक्सीजन को जो है मतलब फिर आइसोलेट किया ठीक है तो ऑक्सीजन ही क्या था यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिलिटरल बेंडिंग ऑफ कोलियोबाइल इन वन डायरेक्शन तो ऑक्सीजन जो होते हैं दे आर आइसोलेटेड बाई एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलिबाइल ऑफ ओट सिडलिंग तो ऑक्सीजन जो होते हैं वाज आइसोलेटेड बाई एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोबाइल ऑफ ओट तो ऑब्वियसली कोलियटाइल में अगर देखा गया तो उन्होंने क्या किया ऑक्सीजन कि को किसने आइसोलेट किया था जो है एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था ठीक है ये भी आपने याद रखना कि, कि किसने जो है ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था लेकिन जीवरेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई देखो जीवरेलिन की जो डिस्कवरी हुई वो भी मतलब क्या थे एक जर्मन के साइंटिस्ट है ई कुरोसावा 1926 में क्या करते हैं वो राइस के फील्ड को चेक कर रहे थे तो उसमें देखा कि कुछ ऐसे राइस की सीडलिंग जब साइड राइस के जो सीड जब ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ सीडलिंग ऐसी है जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा Uh, जो है मतलब लॉन्ग है एज कम्पेयरजन टू अदर सिडलिंग तो उसने क्या बोला कि इसका एक रीज़न था क्योंकि उस सिडलिंग्स के ऊपर एक फंगस ग्रो कर रही थी दट इज़ कॉल्ड एज अ जिबरेला फ्यूजिक्राई और उसी जिबरेला फ्यूजिक्राई से क्या हुआ कि मतलब आपका एक सब्सटांस होता है उसको आइसोलेट किया गया दैट इज कॉल्ड एज अ जिब्रैली एसिड तो बेकेन या फुलिश डिजीज़ बोलते हैं या फुलिश सिडलिंग्स जिसको हम बोलते हैं ऑफ राइस सिडलिंग जिसको हम बोलेंगे बास कॉस्ड बाई ए फंगल पैथोजन दैट इज कॉल्ड एज अ जिब्रेला फ्यूज्राई तो ई कुरो करते हैं ये रिपोर्ट करते हैं कि यहां पे राइट सिडलिंग में क्या होते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं जब उसको क्या किया मतलब उनको ट्रीट किया गया मतलब फंगस के द्वारा तो उसकी में जो है एवनॉर्मल ग्रोथ देखी गई और जब उसमें एक्टिव केमिकल को आइसोलेट किया गया उस सिडलिंग में से उस फंगस में से तो एक स्केप्टिक केमिकल का नाम क्या रखा गया जिब्रेलिक एसिड उसका नाम रखा गया या इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं जिवरेलिन हम बोलते हैं तो ये भी एक्सीडेंटल थी उसके बाद क्या था एफ एफ्सकूग एंड हिज को वर्कर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे थे दे ऑब्जर्व दैट कि फ्रॉम द इंटर नोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस ठीक है आपका जो है इंटर नोडल uh, जो, हम तो stem, जो है मतलब सेगमेंट लिए टोबैको स्टेम द कैलस जो होता है कैलस क्या होता है जब हम, हम जो है नहीं कर पाते कि कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है यानी कि मास ऑफ अनडिफ्रेंसड सेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैलस बोलते हैं ठीक है वो तभी आपका ट्रॉलीफ्रेट करेगा अगर ऑक्सीजन के साथ जो होता है मतलब हम क्या करें बेस्ट टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को या ईस्ट एक्सट्रैक्ट को या कोकोनट मिल्क और डीएनए को क्या करेंगे अगर डाल लेंगे तो तभी क्या करेगा ये कैलस जो होगा वो क्या करेगा प्रोलीफ्रेट करेगा ठीक है जैसे मैं क्या कर टिश्यू कल्चर में हम क्या परफॉर्म करते हैं देखो टिश्यू कल्चर में हमने एक सेल लिया सेल के अंदर क्या करते हैं जो हम जो है मतलब जो है मतलब इसको कल्चर में डालते हैं और इस कल्चर में क्या करेंगे हम ऑक्जीजिन और साइटिन साइटोकाइनिन की जो कंसंट्रेशन है टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं हम उसको बराबर

उसको आइडेंटिफाई किया एंड क्रिस्टलाइज़ किया कि साइटोकाइनिन जो होता है क्या करता है साइटोकाइनिस साइटोप्लाज्म की जो है डिवीजन को प्रमोट करता है और इसी को उन्होंने क्या बोला काइनेटिन बोला काइनेटिन उसको बोल दिया गया बाद में तो एफ स्कूग एंड मिलर का जो है इम्पोर्टेंट रोल है डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइन में उसके बाद जो है ड्यूरिंग द मिड नाइनटीन सिक्सटी जो होता है आपके जो मतलब तीन अलग अलग रिसर्च की गई ठीक है जहाँ पे डिफरेंट तीन काइंड के जो है केमिकल को प्यूरीफाई किया गया उसकी करेक्टराइजेशन की गई और उनका नाम क्या रखा गया तीन अलग अलग रिसर्च हुई तो तीनों केमिकल अलग अलग देखे गए इन्िवेटर बी एपसन टू डॉर्मिन इनको अलग अलग नाम दे दिया गया लेकिन बाद में ऐसा देखा गया ये तीनों केमिकल जो थे वो कहते सेम ही थे हैंसिस का नाम क्या बोल दिया एफसेसिक एसिड बोल दिया तो इनिवेटर टू इनिवेटर वी एफसीसीन टू आपका डोरमिन्स होते हैं दे आर ऑल द सेम केमिकल और बाद में इसका नाम क्या दे दिया गया एफसीसी का एसिड नाम दिया गया उसके बाद एक और साइंटिस्ट है कज़न कज़न का क्या किया उन्होंने क्या किया कि जो आपके राइपंड फ्रूट होते हैं ना जो राइपन फ्रूट के करते हैं एक बोलेटाइल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो है कि वेपर फेज में चेंज हुआ है वो क्या करेंगे मतलब बोलते हैं कि एक सड़ा हुआ आम जो है सब आम को आ, सड़ा देता है या सड़ा हुआ सेब जो होता तो है सब सेबों को सड़ा देता है तो वो जो आपका जो फ्रूट है जो राइप कर रहा है वो क्या कर रहा है एक बोलेटाइल सब्सटेंस क्या कर रहा है रिलीज़ कर रहा है और वो बोलेटाइल सब्सटेंस क्या करेगा दूसरे जो अनराइपन जो बनाना है उनको भी क्या करेगा राइप करेगा तो ऑब्वियसली जब इसको बाद में आइसोलेट किया गया तो इट इज़ फाउंड टू बी इथाइलिन तो इसका नाम क्या रखा गया है इथाइलिन रखा गया एक गैसियस आपका जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर था तो मैंने क्या बोला आपके जो पांचों के पांचों पांचों के पांचों जो हार्मोन थे वो कैसे थे आपके जो है एक्सीडेंटल जो है मतलब उनकी डिस्कवरी हुई है ऑक्सिन साइटोकाइनिन साइटोकनिन जिब्रलिन एसिड एंड आपका जो है कजन ने डैट इज इथाइलिन को डिस्कवर किया अब हम क्या करेंगे हर एक हार्मोन के क्या रोल है क्या उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं और क्या उसके फंक्शन होते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन होता ही होता है ठीक है ऑक्सिन ऑक्सिन जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या है टू ग्रो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है ग्रो करना इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया था वो कहाँ से किया था ह्यूमन यूरिन से किया गया था इसको आइसोलेट किया गया था और टर्म ऑक्सीजन जो होती है इसमें क्या आते हैं कौन कौन से कंपाउंड आते हैं इंडोल थ्री एस्टिक एसिड भी ऑक्सीजन ही है इंडोल ब्यूटैरिक एसिड वो भी ऑक्सीजन है नेक्टेलिन एस्टिक वो भी ऑक्सीजन है टू फोर डाईक्लोरोक्सी एस्टिक एसिड वो भी और ऑक्सीजन है और टू फोर फाइव ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड वो भी क्या ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की डिफ होते हैं. तो टर्म ऑक्सीजन uh, acid भी होते हैं आपके ऑक्सीजन होते है, वो भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल भी जो पाए जाते हैं। और नेचुरली भी पाए जाते हैं दे वो कैसे प्रोड्यूसते हैं दे आर जनरली जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस बाई द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम ये स्टेम जब ग्रो करते हैं उसका एपेक्स उसका टिप टिप जो, जो होता है उसका रूट का टिप जो होता है जब वो ग्रो करता है तो वो क्या करता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फिर क्या करते हैं वो वहां से माइग्रेट हो जाएंगे जहां पे उन्होंने एक्शन करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं ऑक्सीजन जो होते हैं जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होते हैं है फ्रॉम प्लांट ऑक्सीजन इंडोल एस्टिक एसिड इंडोलब्यूटैरिक एसिड जो होती हैं ये नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे ऑक्सीजन जो कि नेचर में पाए जाते हैं इंडोलस्टिक एसिड और इंडोल एसिड जो होती हैं ये नेचुरली अकरिंग जो है ऑक्सीजन है लेकिन नेफ्तेलिन एस्टिक एसिड ठीक है नेफ्टेलिन एस्टिक एसिड और टू फोर डाईक्लोरोफिनोक्सी जो है एस्टिक एसिड एक और होता है टू फोर फाइव एस्टिक एसिड होता है ये क्या है सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं ऑल दीज ऑक्सीजन होते हैं इनको हम क्या करते हैं एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल जो होते हैं जो मतलब प्रैक्टिस में इनका यूज़ किया जाता है तो ऑक्सीजन क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन और आपके जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अब ये क्या करेंगे ऑक्सीजन <coughs> जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग आपने क्या किया कलम लगाते हैं कई बार हम हमने क्या रोज को काट कर दिया स्टेम को कटा आ, काट कर दिया आ, कट किया ठीक है काट जब उसको हम काटते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं तो स्टेम के ऊपर क्या होते हैं आपके जो मतलब एडवेंटिशियस जो होते हैं मतलब जैसे मान लो स्टेम है उसके ऊपर आपने ऑक्सीजन का स्प्रे किया तो इसमें क्या होंगे एडवेंटिशियस एडवेंटेशियस रूट जो है वो अपीयर होना जो है स्टार्ट हो जाएंगे एडवेंटेश रूट होते हैं उसमें क्या होंगे गए अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये क्या करता है ऑक्सीजन जो होता है ये रूटिंग जो होता है प्रमोट करता है इन स्टेम कटिंग और एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपगेशन में इसका यूज़ किया जाएगा फिर ऑक्सीजन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में ये पाइन एप्पल में पाइन एप्पल में ये फ्लारिंग को प्रमोट करता है ऑक्सीजन जो होता है इट इज गोइंग टू प्रम जो है प्रोमोट इट गो ये क्या करता है फ्लारिंग को प्रमोट करता है कि पाइन एपल में ये दे आल्सो दे हेल्प इन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रोमोट द एबसेशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीवस एंड फ्रूट आपके कई बार क्या होते हैं कि जो लीव जो होते हैं वो यंग स्टेज में ही है अगर आपके जो फ्रूट है वो भी वो यंग स्टेज में ही जाते हैं। वो क्या प्रीमेच्योर फैलिंग हो जाती है वो मैच्योर होने से पहले ही क्या होते हैं फॉल हो जाते हैं

बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका टी टी जो प्लांट है जैसे मान लो कि टी प्लांट है वो ग्रो कर रहा है ठीक है अब इसकी एपेक्स के ऊपर क्या बनता है बेटा वो ऑक्सीजन बनता है जब वो ऑक्सीजन बनता है तो ये ऑक्सीजन जो होता है लिटरल साइड में क्या होता है प्लांट में जो है माइग्रेट हो जाता है जब ये लेट्रल साइड ऑफ प्लांट में जब माइग्रेट हो जाता है तो अभी इस प्लांट से क्या होता है कि मतलब वो साइड में ब्रांचेज नहीं बना सकता वो साइड में ब्रांचेज नहीं बना सकता इसका इसी को हम इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस बोल रहे हैं क्यों क्योंकि उस प्लांट के टिप के ऊपर क्या बन रहा है ऑक्सीजन बन रहा है और ऑक्सीजन क्या करेगा वो लेटरल कंडीशन में लेटरल साइड में क्या होगा माइग्रेट हो जाएगा और वो लेटरल ब्रांचेज जो है उस प्लांट में नहीं आएगी और वो प्लांट तो बनेगा लेकिन वो लंबा खजूर जैसा प्लांट बन जाएगा ठीक है ब्रांचेज उसमें आएगी ही नहीं ठीक है तो हम क्या करते हैं इस एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे वहाँ पे डी कैपिटेशन कर देते हैं हम क्या करते हैं उसके टिप को ही काट देते हैं जैसे आपने देखा होगा कि टी जो टी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो ट्री टी जो ग्रो करवाई जाती है वहाँ पे ऊपर से क्या की जाती है उनकी कटिंग की जाती है उनके टिप को जो है मतलब क्या बोलते हैं कट किया जाता है ताकि बहुत सारी ब्रांचेज जो है बने बहुत सारी ब्रांचेज जो है मतलब बने जब बहुत सारी ब्रांचेज जब बन जाएंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा इसी को हम क्या बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस के कंसेप्ट को ही उल्टा हो गया तो डी कैपिटेशन जब हम क्या करते हैं शूट टिप्स को क्या करते हैं रिमूव करते हैं ठीक है जिससे क्या होता है कि लेटरल बर्ड की जो है ग्रोथ जो होती है यूजली जो होती है ग्रोथ हो जाती है तो ये आपकी टी प्लांटेशन हैज मेकिंग में जो इसका यूज़ किया जाता है टी प्लांटेशन और हैज मेकिंग में जो है इसका यूज़ किया जाता है ये भी आपने याद रखना है ठीक है उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है पार्थिनोकार्पी को क्या करता है इंड्यूस uh, करता है ऑक्सीजन जो होता है ये पारथिनोकारपी को करेगा इंड्यूस करेगा इट इंड्यूज पारथिनोकारपी जैसे टोमेटोज में पारथिनोकार्पी क्या होते हैं कि फ्रूट जो होंगे वो फॉर्म हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ऑक्सीजन क्या करता है इट इंड्यूज पारथिनोकारपी इन टोमेटोज और ऐसे दे आर आर वाइडली यूज हर भी साइड के रूप में भी हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जैसे टू फोर डी या टू फोर फाइव टी जो होता है डाई क्लोरो फिनॉक्सीस्टिक एसिड को हम क्या करते हैं ये डाइकोट ब्रीड को जो है मतलब किल करने का काम करते हैं इसलिए हमारी जो क्रॉप होती है उनके बीच में बहुत सारे बीड्स जो होते हैं ग्रो करते हैं तो उनको अगर हम ऑक्सीजन का जो है मतलब स्प्रे करें ठीक है ए टू फोर डे का तो इसमें क्या होंगे आपके मोनोकोट प्लांट जो है ईजिली ग्रो करेंगे डाइकोट बीड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इट इज़ यूज तो टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाई गार्डनर गार्डनर जो होते हैं अपना लॉन जो होते हैं उसमें स्प्रे करते हैं ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन जो होते हैं ये क्या करेगा जाइलम डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करता है और ये सेल डिविज़न में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेल डिवीज़न में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो ये आपका क्या था ऑक्सीजन का फंक्शन था उसके बाद आता है आपका जिब्रलिन मैंने आपको बताया कि जिब्रेलिन को जो है जिब्रेला फ्यूज्राई जो है उसमें जो है डिस्कवर किया गया था उसमें एक फंगस है भाई ई कुरोसाबा लेकिन इसके फंक्शंस क्या होते हैं ऑब्वियसली ऑक्सीजन जिब्रेलिन एन साइट होती हैं ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं तो ये क्या इट इज़ अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है अब तक जो है मोर देन हंड्रेड टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन जो होते हैं वो रिपोर्ट कर दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से ठीक है दे आर उनको हम कैसे डिनोट करते हैं देट इज़ जी ए वन जी ए टू जी ए थ्री ऐसे हम क्या करते हैं उनको जिब्रेलिन को क्या करते हैं डिनोट करते हैं लेकिन जी ए थ्री जो था जिब्रेलिक एसिड थ्री जो था वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जिब्रेलिक एसिड थ्री वाज वन ऑफ़ द फर्स्ट जिब्रलिक जिबरिन टू डिस्कवर एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली इसी को ही जिब्रलिक एसिड थ्री को ही ज़्यादा ही स्टडी किया गया है ऑल जिब्रलिक एसिड जो होते हैं जितने भी जिब्रलिक एसिड्स होते हैं ये कैसे है? हैं एसिड हैं वो भी एसिडिक हैं ये तो कोई इसमें बोल एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है कि सारे के सारे के होते हैं एसिड होते हैं और ये वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होते हैं प्लांट में क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या करेंगे आपके प्लांट दे आर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेज इज़ यूज टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक ये क्या करते हैं ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं मैंने क्या बताया था जब जिब्रलिन की जो डिस्कवरी हुई थी उसमें सिडलिंग की जो है बहुत ही ज़्यादा फुल इस टाइप की ग्रोथ हो गई थी उसमें लॉन्थ लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो गई थी तो ऑब्वियसली जब किसी प्लांट की हाइट इंक्रीज नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे हम जो है जिब्रलिन का जो है स्प्रे करेंगे तो आपके जो ग्रेप स्टॉक होते हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिब्रलिन जो क्या करते हैं ये क्या करते हैं लाइक एप्पल को ये फ्रूट लाइक एप्पल या जो है उसको इलोंगेट और उसकी शेप को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सेनिसेंस को डिले करते हैं यानी कि डेथ को डिले करते हैं दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड देयर मार्केट पेड़ जैसे मान लो कि कोई फ्रूट जो है पेड़ पर पे ही राइप हो गया अगर ऑब्वियसली उसकी संभावना होती हो है नीचे गिरने की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करेंगे जिब्रलिन की जो है मतलब स्प्रे करेंगे ताकि ज़्यादा से ज्यादा वो पेड़ पे जो है बना रहे और हम जो है मार्केट वैल्यू उसकी प्रॉपर मिले ठीक है ताकि वो गले सड़े ना ठीक है तो जिब्रलिक एसिड थ्री जो होते हैं इसको हम माल्टिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे एल्कोहल बनाया जाता है वहाँ पर जीवरालिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है ठीक है शुगर केन जो होते हैं शुगर केन जो होते हैं आपने देखा होगा कि शुगर केन में क्या होता है जो है उसमें ग्रोथ कई बार जो होती है बहुत ही कम रह जाती है तो हम क्या करेंगे शुगर

और उसमें शुगर केन का कंटेंट भी इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियसली पर एकड़ वाइज जो है पर एकड़ वाइज होगा क्या होगा उसकी इल्ड भी इंक्रीज़ करेगी स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर कॉनिफर जैसे कौन से पाइनस पाइन वगैरह जो होते हैं चीड़ देवदार वगैरह जिनको क्या बोलते हैं इनकी पतलियाँ जो जिनकी पतियाँ जो होती हैं जिनकी हैं जीडल शेप होते हैं उनको कॉनीफर बोलते हैं तो उनका हम क्या करेंगे उनका मैच्योरिटी रेड जो होता है जिब्रलिकसड जो होता है वो इंक्रीज करता है इसलिए क्या होता है पहले वो सीड जो मतलब दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन ठीक है ऑब्वियसली में जल्दी मैच्योरिटी आ जाएंगी तो वो सीड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और जिबलिन क्या करता है ये आल्सो प्रमोट करता है बोल्टिंग जैसे आपकी कैबेज होती है ना बेटा कैबेज में क्या होता है देखो अगर मैं इसको बनाऊँ कैबेज में क्या होता है नोड्स और इंटरनोट बहुत नज़दीक नज़दीक होते है तभी तो लीप सारे देखे तुमने कैसे एक जो एक शेप लेते हैं लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे जिब्रिन की स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा उसमें उसकी इंटरनोडल इलांगेशन हो सकती है ऐसे उसकी इंटरनोडल इलांगेशन हो सकती है और ये भी एक छोटे प्लांट की फॉर्म में बन सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं बोल्टिंग बोलते हैं तो जिब्रलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग यानी कि इंटर नोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लारिंग और इन बीट में कैबिज में और बहुत सारे ऐसे प्लांट जिनका रॉसेड हैबिटेट होता है उनके उनके अंदर आप अगर क्या बोलते हैं जिब्रेलिन का स्प्रे करें तो उनमें क्या होगा इंटर नोडल इलोंगेशन हो जाती है और जो लीप्स होंगे दूर दूर तक जो हैं मतलब उनकी डिस्टेंस पड़ जाएगी और वो क्या दिस इज़ इंटर नोडल इलोंगेशन को ही हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द बोल्टिंग को बोल्टिंग कौन प्रमोट करता है आपका जिब्रेलिन करता है तो ये भी आपने याद रखना है तो जिब्रेलिन ने क्या किया जिब्रेलिन जो है मतलब आपका जो है मतलब वोल्टिंग को प्रमोट करता है ये माल्टिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया है इसका स्प्रे किया जाता है ताकि प्लांट की जो मतलब ग्रोथ हो ठीक है तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का, का काम करता है उसके बाद है आपका साइटोकाइन साइटोकाइनिन क्या है ये एक बेसिक हार्मोन है ठीक है साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था ये भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है एंड वर डिस्कवर एज ए काइनेटिन ये काइनेटिन क्या है एक प्यूरिन है ठीक है एडनिन की जो है आपको जो हमें मैंने आपको बताया था कि हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है बहुत सारे जो होते हैं एडनिन गोनिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल तो जो एडेनिन होता है उसकी जो है मॉडिफाइड फॉर्म होती है साइटोकाइनिन जिसको हम क्या बोलते हैं काइनोटिन बोलते हैं इसको कहाँ से डिस्कवर किया गया था ऑटोक्लेव हैरिंग्स स्पर्म डी जो हमारी फिश है हेरिंग स्पर्म जो होता है उसके डी एन ए में ऑब्वियसली डी एन ए है तो उसमें एडिनिन तो होगा ही होगा काइनेटिन जो होता है ये नेचुरली नहीं होता है प्लांट में ये एनिमल में है ये स्पर्म में पाया जाता है तो एनिमल में होता है लेकिन ऐसा ही सब्सटेंस हमें काइनेटिन की तरह ही जिया मेज या मेज से हमें जो है प्राप्त हुआ दैट इज़ कॉल्ड एज अ जिएटिन कोकोनट मिल्स से मिल्क से मिला कॉर्न कर्नल से हमें मिला तो उस सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया जिएटिन सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियडिन सेवरल नेचुरली अक्रिंग साइटोकैन जो हैं और ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड जो हैं मतलब हमें डिस्कवर हो चुके हैं और जिनका मेन काम क्या है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना सेल डिविजन को प्रमोट करना फ्लारिंग को प्रमोट करना फ्रूटिंग को प्रमोट करना सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करना तो वही चीज़ है नेचुरल साइटोकैन होते हैं ये क्या होते हैं ये वहाँ सिंथेसाइज किए जाते हैं इन रीज़न वेयर रैपिड सेल डिविजन होता है जहाँ पर सेल डिविजन होगा वहाँ पर साइटोकाइनज होते वो सिंथेसाइज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट एपेक्स के रूट एपिकल मेस्टम के ऊपर डिवीज़न हो रहा है सूट uh, एपेक्स के ऊपर डिवीजन हो रहा है यंग फ्रूट जो होते हैं वो भी क्या करें डिवाइड करें तो ऑब्वियसली क्या होगा जब इट हेल्प टू प्रोड्यूज लीव्स क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स ऑब्वियसली आपका जो है मतलब जो है मतलब प्रमोट ही करेगा तो लेटरल शूट ग्रोथ देखो यहाँ पे लेटरल शूट ग्रोथ बनाएगा यहाँ पे ब्रांचेस बनेगी लेकिन आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा था वो ब्रांचेस को इनिविट कर रहा था तो ये बिल्कुल जो साइटोकाइनिन है ये ऑक्सीजन के एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है ठीक है और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए साइटोकाइनिन का अगर स्प्रे करोगे तो एपिकल डोमिनेंस भी खत्म हो जाएगी एपिकल डोमिनेंस कौन शो करता है हमारा ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस क्या होती है जब ऑक्सीजन क्या करता है जब स्क्रीट होता है तो क्या करेगा वो लेटरल ब्रांचेज बनाने में बनाने को इनहिबिट करता है तो हम क्या करेंगे उस प्लांट की अगर डिकैपिटेशन नहीं करनी है अगर आपने स्टेम के टिप को नहीं हटाना है तो हम क्या करते हैं सिंपल साइटोकाइनिन का ही स्प्रे कर दो तो वहाँ पर क्या होगा एपिकल डोमिनेंस की जो है मतलब ओवरकम हो जाएगी वहाँ पर ब्रांचेज जो है मतलब है, आ जाएंगे ठीक है दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ये न्यूट्रिएंट को काफ़ी अच्छी तरह से मोबिलाइज़ करवाते हैं प्लांट के द्वारा जो क्या करेगा जो कि लीफ सेंसेंस में फिर क्या करेगा डिले करेगा जो लीफ सेंसेंस में क्या करेगा फिर बाद में डिले करेगा ठीक है ऑब्वियसली लेकिन एक और याद रखना कि यहाँ पे रिचमंड लैंग इफेक्ट जो होता है रिचमंड लैंग इफेक्ट क्वेश्चन कई बार आया है कि रिचमंड लैंग इफेक्ट कौन सा हॉर्मोन शो करता है ठीक है रिचमंड लैंग इफेक्ट ठीक है रिचमंड लैंग इफेक्ट जो होता है कौन सा जो है मतलब हॉर्मोन करता, करता है साइटोकन जो होता है वो क्या करता है रिचमेंट लैंग जो है इफेक्ट शो करता है साइटोकाइनेसिस ठीक है ये सेल का डिवीजन को प्रमोट करता है उसी को हम रिचमेंट लैंग इफेक्ट बोलते हैं और ये कौन करता है साइटोकाइन जो है शो करता है उसके बाद आता है आपका इथाइलिन इथाइलिन जो है गैसिस हॉर्मोन है इथाइलिन इज ए सिंपल गैसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इट इज सिंथिसाइज इन लार्ज अमाउंट बाई टिश्यू अंडर गोइंग सनिसंेंस एंड राइपनिंग फूड अगर आपका टिश्यू जो है उसकी डेथ हो रही है डिके हो रहा है ठीक है या कोई फ्रूट जो वो राइप हो रहा है तो उन टिश्यू में क्या बनता है हमारा ऑक्सीजन सॉरी इथाइलिन की जो मतलब सिक्रेशंस होती है सिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा होती है तो इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट ये है कि इसमें क्या होता है ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है हमारी सिडलिंग की सिडलिंग की कैसी ग्रोथ होगी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी ये हमारी सिडलिंग की ग्रोथ कैसे होगी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करवाता है ये एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाएगा ये एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाएगा हमारे मेरिस्टम्स की एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाएगा इन डायरेक्ट सिडलिंग की ये क्या करता है ऑब्वियसली इनिवेटर है तो सन क्या करेगा प्रमोट करेगा ये जो है एबसीशन ऑफ प्लांट और जैसे लीव्स होंगे फ्लावर होंगे अगर वो ओल्ड हो गए हैं तो उनकी क्या करेगा एबसीेशन करेगा उनको फॉल करवा देगा जल्दी से जल्दी और ये जो होते हैं बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है फ्रूट राइपनिंग में ठीक है और इट एनहांस करेगा जैसे आपके फ्रूट जो होते हैं राइप करते हैं उस टाइम पे क्या होता है उनका रेस्पिरेशन रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है जब आपके फ्रूट राइप करते हैं तो उनका रेस्पिरेशन रेट उनमें रेस्पिरेशन की जो क्षमता है कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्परेशन इज कॉल्ड एज अ रेस्परेटरी क्लाइमेक्टिक और इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका इथाइलिन हॉर्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इथाइलिन जो होता है ये सीड और बर्ड डॉर्मिनसी को भी ब्रेक करता है देखो ब्रेक कर रहा है ये और जर्मिनेशन जो है पीनट सीड में क्या कर रहा है और ये क्या करेगा मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा ये क्या करेगा पोटैटो ट्यूबर में जो होगा उसमें लूंग आ जाएगी बोलने का मतलब क्या है उसमें बहुत सारी जो है स्प्राउटिंग हो जाएगी देखा होगा आपने कई बार जो होते पोटैटो घर में स्टोर किया जाते हैं तो उसके ऊपर साइड में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज निकलना स्टार्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्प्राउटिंग बोलते हैं ठीक है इथाइलिन जो होता है प्रमोट करता है आपका रैपिड इंटरनोड और पेटिल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट जो आपके ऑब्वियसली राइस प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है अगर राइस प्लांट जो है पान पानी के अंदर ही रह जाएगा तो क्या होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो ठीक है तो इसलिए क्या होता है उनमें जो डीप इलोंगेशन अगर करनी है तो उनमें क्या होता है इथियलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इट हेल्प लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अवर वाटर ठीक है ऑब्वियसली हम आपका जो जो अपर पार्ट होंगे उस प्लांट के वो पानी के ऊपर ही रहेंगे क्या ये क्या करेगा ये रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है रूट हेयर फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है और ऑब्बियसली जब रूट की ग्रोथ होगी रूट के हेयर बनेंगे तो ऑब्वियसली वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे जब पानी से ज़्यादा से इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब्शन सरफेस इंक्रीज़ हुआ ही ना उसका ठीक है इथाइलिन होता है ये आपका जो है फ्लारिंग को इनिशिएट करने में भी यूज़ किया जाता है ठीक है और पाइन में ठीक है ताकि फ्रूट फॉर्मेशन हो जाए हमारी जो है फ्लारिंग और फ्रूट सेट जो है मतलब एक सिंक्रोनाइजिंग मैनल्स में पहले फ्लार बनेंगे तभी तो फ्रूट बन पाएगा तो किसमें होगा पाइनएपल में फ्लारिंग भी इंट्रोड्यूज करता है ये फ्लारिंग मैंगो में भी इंड्यूस करता है सिंस इथाइलिन जो होता है ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है मतलब रेगुलेट करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है हमारे एग्रीकल्चर में तो जो मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड है हमारे इथाइलिन का वो है एथेफोन एथेफोन क्या होता है इसको हम यूज़ करते हैं एक एक्वा सोल्यूशन होता है ठीक है इज रेडली एब्जॉर्व किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद इन द प्लांट और क्या करेगा ये ऑब्वियसली इसको डाल दिया जाएगा ठीक है और प्लांट के करें धीरे धीरे क्या किया और वो रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे सारे के सारे जितने फ्रूट अनराइपन होंगे वो राइप हो जाएंगे तो एथेफोन के करता है ये इनक्रीज करता है फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड पाइन सॉरी एप्पल्स में और एक्सलेट करता है जो हमारे एक्सिएशन है फ्लार का एंड फ्रूट का जैसे थीनिंग ऑफ कॉटल में इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका चेरी में वॉलनट में थीनिंग में क्या करता है प्रमोट करता है और ये फीमेल फ्लार जो होते हैं प्रमोट करता है किस में कुकुम्बर में जितने ज़्यादा फीमेल फ्लार होंगे उतने ज़्यादा फ्रूट बनेंगेगा क्योंकि स्टिक स्टाइल होबरी तो उसी में होगा तो ये क्या करेगा इन इट प्रमोट फीमेल फ्लार इन कुकुम्बर इसलिए क्या होता है ये इल्ड इनक्रीज़ करता है हमारे कुकुम्बर की ये भी आपने याद रखना है तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अथाइलिन उसके बाद है एबसेसिक एसिड कि एफसेसिक एसिड जो होता है हमें पता है इसका मेन काम क्या है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं ये स्ट्रेस कंडीशन में जब काफ़ी ज़्यादा पा जो हमारा प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है तब ये रिलीज होता है इसको डिस्कवर किया गया था एज मैंसन अर्लियर लेयर एफसेसिक एसिड जो होता है व डिस्कवर फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एबसीशन एंड डॉर्मेंसी ये एबसिशन को क्या करेगा रेगुलेट करता है डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है लेकिन अदर हॉर्मोन की तरह क्या होता है इसके पास भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर यह जो होता है नॉर्मली प्लांट ग्रोथ इनिवेटर के रूप में काम करता है और इन्हीविटर होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म का एपसिसिक एसिड जो होता है ये सीड जनरेशन को इनिवेट करेगा ये क्या करेगा स्टोमेटा की क्लोजिंग में हेल्प करेगा आपके स्टोमेटा का जो है क्लोजिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एफ्सिसिक एसिड का ये जो है प्लांट को ऐसा टॉलरेट बनाएगा ऐसा नहीं कि वही नेगेटिव हारमोन है ये क्योंकि उस टाइम पर कंडीशन प्लांट में ऐसी आ गई है कि बहुत स्ट्रेस है तो उस टाइम पर इसको टॉलरेबल बनाना तो इसमें इस हारमोन का जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो क्या करेगा ये जो है प्लांट को टॉलरेंस जो है इसकी इंक्रीज करेगा टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसिस देर इट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन इसको हम बोलते हैं तो एफसिसिक एसिड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में मैचूरेशन में सीड डॉर्मेंसी में ठीक है और बाई इंड्यूसिंग डोरमेंसी क्या करेगा जैसे सीड के अंदर डोरमेंसी इंड्यूज हो जाएगी तो क्या करेगा हमारा सीड जो होगा वो जो है मतलब डेसिकेशन और अनफेवरेबल कंडीशन में प्रॉपरली ग्रो कर जाता है तो इसमें क्या है कि आपका जो एप्सिक एसिड है अगर मोस्ट सिचुएशन में देखा जाए तो क्या वो जिब्रलिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है जैसे आपका ऑक्सीजन था साइटोगाइनिन के क्या करता है वो एंटागोनिस्टिक काम करता है वैसे एवसिस्टिक एसिड जो होता है ये एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिनिक एसिड के जिब्रोलिक एसिड क्या करता है वो प्रमोट करता है एसिड जर्मिनेशन लेकिन ये क्या करता है ये एंटागोनिस्टिक ये इनहिबिट करता है तो बी हम क्या कर सकते हैं समराइज कर सकते हैं दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं कुछ क्या करते हैं जैसे कुछ ऐसे हॉर्मोन होते हैं अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दूसरे के फंक्शंस को क्या करेंगे मतलब वो बढ़ाएंगे कॉम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है तो उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिकली क्या करेंगे वो काम करेंगे जैसे जिब्रन और साइडोकोस होते हैं ये ऐसे हार्मोन है ऑक्सीजन जिब्रलिन साइडोको ये सारे प्रमोटर हैं ये सारे मिल के करते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे के इफेक्ट को सेल ग्रोथ को ठीक है डिवीजन को ठीक है और अदर कैसे जैसे और आपका जो एपसिस कैसे वो एंटागोनिस्टिक है तो वह कुछ सच रोल कुड भी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक और दिस कुड भी इंडिविस्टिक और आपका सिनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं ठीक है जब दो हार्मोन एक दूसरे के फंक्शंस को क्या कर रहे हैं वो मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है वो सिनर्जिस्टिक काम कर रहे हैं लेकिन जब दो हार्मोन जो हैं वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे एंटागोनिस्टिक तो सिमिलरली देर आर नंबर ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट जहाँ पे मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं इंट्रैक्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे के इवेंट को जैसे इन सीड बर्ड एपसीशन सनसेंसिट एपिकल डोमिनेंस ठीक है ऑब्वियसली रिमेंबर द रोल ऑफ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या है कि यहाँ पे क्या होता है इज़ ओनली वन काइंड ऑफ ए इंटरनल कंट्रोल मैंने क्या बताया किसी भी प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो क्या करें जैसे आपके जेनेटिक फैक्टर होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं ये इंटरनली किसी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं ठीक है तो अलॉन्ग विद द जेनेटिक कंट्रोल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट ग्रोथ में डेवलपमेंट में और ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर है लाइट है कंट्रोल ये प्लांट ग्रोथ को डेवलपमेंट को क्या करते हैं वो कंट्रोल करते हैं जैसे ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जैसे बर्नाइजेशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में फ्लारिंग क्या होती है डॉलमेंसी क्या होती है सीड जनमेशन जो होती है ये सारे जो होते हैं ये रेगुलेटर किए जाते हैं हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमने क्या पढ़ा केवल इंटरनल फैक्टर के बारे में स्टडी किया अभी तक अब हम क्या करेंगे एक्सटर्नल के बारे में पढ़ेंगे लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर उस कंपोर्टेबलिज्म बोले टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा उसको हम वेरिएलाइजेशन बोलेंगे तो ऐसे ही हम एक्सटर्नल फैक्टर को भी हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर को भी हम स्टडी करेंगे तो हमने क्या करे हमने जो पांच टाइप के हार्मोन स्टडी किए आपके जो है मतलब दैट इज ऑक्सिन ठीक है आपके जिब्रेलिन साइटोकाइनिन एफसीसी एसिड एंड इथाइलिन ठीक है ऑक्सिन साइटोकाइनिन और इथाइलिन जो होते हैं ये इनका जो मेन काम है वो क्या है ये फेमेनाइजिंग इफेक्ट भी करते हैं कुछ प्लांट के ऊपर लेकिन ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है ठीक है लेकिन जिबरेलिन और आपका जो है जो है मतलब एफससिक एसिड होते हैं ये क्या करते हैं ये एंटागोनिस्टिक वे में क्या करते हैं ये काम करते हैं ठीक है ऑक्सीजन साइटोकाइनिन और जिबलिन जो है ये आ, सारे प्रमोटर हैं ठीक है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर इनको बोलते हैं और और आपका जो मतलब क्या बोलते हैं आपका इथाइलिन जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ये आपको याद होना चाहिए ठीक है ये आपको याद होना चाहिए तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ठीक है ओके